मैं संतोष कुमार पटेल आज आपके टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर फिर एक बार स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो में हम मैथ की सॉल्व लेकर आए हैं, एनसीईआरटी का मैथ जो होता है टेंथ का, उसका हम सॉल्व लेकर आए हैं। और इसके पहले वीडियो में हमने पहले अभ्यास का 1.1 हमने अभ्यास का जो वीडियो था वो दे दिया है, प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। आज उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, 1.2 लेकर आए हैं, जिसमें भी जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है। एक अभ्यास का कहने का मतलब, एक अभ्यास में जितने भी वीडियोज वो सॉरी जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम उसको एक वीडियो में करके रखे हुए हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कैसे कैसे सॉल्व किया गया है वो आपको हम स्क्रीन पर भी हम अपने दिखाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं समझाएंगे भी। तो आइए वीडियो को दिखाते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आज हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो आपके रिलेशन में आपके फ्रेंड्स जो कुछ भी हैं उनमें शेयर कर दीजिए, जिससे कि हाई स्कूल में इनको मदद मिल सके। ये तो हम चैप्टर वाइज हल करा रहे हैं, लेकिन आपको हम जल्द से जल्द ही देंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोज, जिसमें आपके हाई स्कूल और इंटर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हर एक सब्जेक्ट के वीडियोज देंगे। वो आप वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। तो देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पर आएंगे, वास्तविक संख्याएं का 1.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पर जैसा कि हम दिखा रहे हैं, इसमें आपका गणित का 1.2 का जो क्वेश्चंस हैं एक एक करके हम बता रहे हैं और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इसके पीडीएफ भी डाल देंगे, पर आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को सहायता मिल सके और हमारे चैनल का भी ग्रोथ हो सके। आपका एक हेल्प, एक लाइक, शेयर हमारे लिए बहुत काम आएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। वास्तविक संख्या 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो है इसे आपको हल करना है। इसमें जितने भी आपको कुछ जैसे कि 140, 156 और जितनी भी संख्या हैं इनको गुणनखंड करना है। कहने का मतलब आप गुणनखंड करेंगे, जैसे कि 140 को गुणनखंड करते हैं इस तरह। तो इसको आप ऐसे करके हल कर लेंगे, दो से काटेंगे, दो से 7 जा 14, उसके बाद ये 0 का 0 उतर गया, फिर दो से काटेंगे, फिर 2 3 जा 6 हो गया, फिर 2 5 जा 10। इसी तरह आपको फिर इसको 5 से काटना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये आ जाएगी। इस तरह से गुणनखंड करना है। अगर आप गुणनखंड कर लेंगे तो आपका निश्चित रूप से सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे कि 35 को अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 7 35, उसके बाद 7 3 7 तो आ गया 2 5 7, तो 2 5 7 आ गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका। और इसी तरह से ये सारा है, ये भी 156 का जो है इधर 156 आपको इसी तरह करना है, ये भी, और ये भी सारे इसी तरह आपको गुणनखंड करने हैं। कहीं मतलब आप गुणनखंड करना तो जानते ही हैं, जैसे कि गुणनखंड करते हैं लोग उसी तरह करना है। तो गुणनखंड करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो गुणनखंड करना बता देंगे, लेकिन आप जानते हैं, इतना तो जानते ही। तो गुणनखंड करके जितने भी गुणनखंड आए उनको हम इस तरह से अभाज, यानी कहने का मतलब अगर हमारा 2 है, जो 2 है, 2 क्या है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। इधर देखिए 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद इधर 3 और 5 2 2 बार है, तो ये यानी कि जिसको हम घात में चेंज करेंगे और जितने गुणनखंड उनको लिख देंगे वही चीज़ है कि अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। केवल बस आपको कुछ भी नहीं करना है, गुणनखंडों को जितनी बार है उसका उतनी घात चढ़ा देना है, बाकी वैसे ही लिख देना। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन था, इतना ये गुणनखंड का। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नंबर में आपका जैसा कि दिखाई दे रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम आप जानते हैं कि क्या चीज़ होता है, एचसीएफ एलसीएम, तो उसी चीज़ को हम लेकर के आज यहाँ बताने जा रहे हैं। तो एलसीएम जो कि होता है कि आपका लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल आपका होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन एलसीएम में आपको क्या करना है, जो एलसीएम होता है एलसीएम में आपको ध्यान में रखना है कि एलसीएम में आपको जो गुणनखंड करेंगे
गुणनखंड करना तो सीखे। गुणनखंड करेंगे तो इसमें एलसीएम में वो लिखना है कि जो मिलेगा उसको लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, दोनों, क्या दोनों लिखेंगे, हमको दोनों लिखना है, जो मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी। और एचसीएफ में लिखेंगे, एचसीएफ में हमें लिखना है केवल जो मिलेगा, सेम जो मिलेगा, कहने का मतलब जो मिलता है हमको वो चीज़ लिखना है, जो मिलेगा एचसीएफ में लिखेंगे केवल वस। जैसे कि हमने इधर देखते हैं, इधर देखिए ये 26 का गुणनखंड हुआ और ये 91 का गुणनखंड हुआ, चलिए हम देखते हैं क्या मिलता है। इसमें आपका 13 देखिए मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो एचसीएफ हो गया, ठीक, और जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखेंगे। तो एचसीएफ में कहने का मतलब होता है दोनों, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो एचसीएफ में आपको तो पता चल गया कि तो 13 तो मिल रहा है, दो नहीं मिल रहा है तो इसमें दो भी लिखेंगे, ये देखिए एलसीएम में दो भी, सात नहीं मिल रहा है सात भी लिखेंगे, उसके बाद 13 मिल रहा है तो ये भी लिखेंगे, जो मिलेगा वो भी लिख, और सारे का गुणन मतलब गुणा कर लेंगे सभी में, दोनों में, अगर इसमें तो एक मिल रहा है, कभी कभी ऐसा तो दो मिल गया तो सभी का गुणा कर लेंगे, जो आएगा वो एलसीएम इस तरह से आ जाएगा। सारी चीज़ें आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, पता चल जाएगा आपको क्या कह रहे हैं। इसमें देखिए हमने कहा था कि एलसीएम में जो मिलेगा उसको एलसीएम में दोनों लिखेंगे, एलसीएम में दोनों लिखना है। देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है हम देखते हैं, तो जो नहीं मिला दो मिल रहा है उसको भी लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम में ज़्यादा ज़्यादा वाला और एचसीएफ में कम से कम, यही कहने का मतलब हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देखिए इसमें दो मिल रहा है उसको भी लिखें, दो एक नहीं मिल रहा है उसको भी लिखें। दूसरी तरह से अगर आप समझना चाहते हैं तो एलसीएम जो होता है, एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ में आपका कम से कम होता है कम, और एलसीएम होता है ज़्यादा से ज़्यादा, एलसीएम होता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा में आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम में कम से कम, एचसीएफ में कम से कम कितना है, दो देखिए कम से कम दो है, तीन तो इसमें है ही नहीं, तो क्या बात है, दोनों में होना चाहिए, जो कम से कम हो दोनों में, दोनों जितने भी फैक्टर करने किए हैं उसमें से कम हो लिखें, तो इसमें दो तो है पर तीन इसमें है ही नहीं, पाँच इसमें है ही नहीं, 17 इसमें है ही नहीं, 23 इसमें है ही नहीं, तो दो क्या हो गया इसमें का एचसीएफ हो गया। और जो एलसीएम में होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखिए दो इसमें सबसे ज़्यादा किस में है, इन इसमें है, देखिए दो है, तीन दोनों को लिख देंगे। फिर थ्री देखते हैं, थ्री सबसे ज़्यादा इसमें है इसको लिख देंगे, और फाइव इसमें है इसको लिख देंगे, 17 इसमें है 17 इसमें लिख देंगे, 23 इसमें है 23 इसमें, कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ते हुए जो मिलेगा उसको भी, जो नहीं मिलेगा उसको भी, चाहे इस तरह समझिए, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है उसको लिख दे, कम या ज़्यादा में समझ सकते। दो ट्रिक हमने बताया, उसको आप अगर समझ सकते हैं समझ लीजिए, अगर नहीं समझते हैं तो फिर से आप वीडियोज़ को रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ जाएंगे बात को, नहीं तो कमेंट कीजिएगा हम समझा देंगे अगर कोशिश रहेगी तो। चलिए इसी तरह तो हमारा सारा क्वेश्चन हल करना है, और अगर आप हमारे चैनल को नहीं जानते तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा चैनल का नाम है टेक्नो प्लस स्टडी, ये चैनल का नाम है, और जिसको आपके फ्री एजुकेशन के लिए हमने बनाया है, तो आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियोज नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड, तो वही गुणनखंड कर लेना है और एलसीएम एचसीएम सेम जो किए वही काम करना है। देख लीजिए इसका, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, ये इसका गुणनखंड, ये इसका, इसका तीनों गुणनखंड किए। एचसीएफ का मतलब जो मिलता है, तो जो मिलता है तीन मिल रहा है इसको लिख लिया, एलसीएम मतलब जो मिलता है जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे, इसमें तीन आ जाएगा, इसमें 420 आ जाएगा। सेम टू सेम यही प्रक्रिया इसमें सारे क्वेश्चन में देना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो वीडियोज़ को रिवर्स करके और स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं, बस वही प्रोसेस है कि गुणनखंड करना है और लिख लेना है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार नंबर क्वेश्चन आपका है कि एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 9, और संख्याएं क्या क्या है, संख्याएं आपकी ये हैं जो ये दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं का एचसीएफ तो दिया गया है, एचसीएफ ये 9 दिया गया है, पर एलसीएम नहीं दिया गया है, तो एलसीएम नहीं दिया गया है और दो संख्याएं भी दी गई हैं, तो सूत्र होता है आपका मेन सूत्र ये होता है, इसको आप याद रखिए बहुत काम आएगा। एक तरफ एलसीएम एचसीएफ होता है यानी लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याएं एक तरफ रहेंगी और लासा गुणे मासा एक तरफ रहेगा, एलसीएम एचसीएफ एक तरफ रहेगा, बीच में इक्वल रहेगा, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो इसमें से जो कुछ भी नहीं, इधर एलसीएम और एचसीएफ हो गया इस तरफ,
और बराबर में आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हो जाएगा। इसमें से जो जिसको निकालना हो उसका दूसरा ले जाइए, बटे में सूत बन जाएगा। ये चार चीज़ें हैं तो चार सूत बन सकता है इससे, तो सूत बना के तो हमारा इसमें एलसीएम निकालना। तो एलसीएम हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एलसीएम यहाँ छोड़ देंगे। देखिए एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ये एलसीएम जो जाएगा इधर पचहत्तर होगा, कहाँ जाएगा, अपान में जाएगा। अपान में जाएगा तो बटा करके इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अगर इसको हम डिवाइड कर लेंगे, काट लेंगे तो आपका कट जाएगा। तो इस तरह से कट के इतने उत्तर आएगा। काटने पर आप जानते हैं भाग कर लीजिएगा, हो जाएगा। और इसी तरह से इसमें पांच नंबर है, पांच नंबर जांच करके बताना है कि क्या ऐसा ऐसा हो सकता है, जो कि है कि प्राकृतिक संख्यायन के लिए संख्यायन का अंक पर जीरो हो सकती है। तो पहला नंबर तो आपको देखना है कि जीरो अंक समाप्त हो सकती है जिसमें उसमें वो दस से विभाजित है, और जो दस से विभाजित है वो दो पाँच से विभाजित होगी, ये चीज़ जानते हैं। और दो पाँच इधर देखा गया कि छः गुणनखंड दो तीन होता है, तो दो तीन इसमें देखिए दो है तीन है पर पाँच नहीं है, तो पाँच से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, इसको पढ़ के समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बहुत ये आने वाला क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप समझ लीजिएगा। पर नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन यहाँ देखना है, सिक्स क्वेश्चन आपको क्या करना है। तो सिक्स क्वेश्चन में आपको बहुत आसान चीज़ें हैं, ये गुणनखंड है और ये इधर है इतना, इसको भाज्य संख्याएँ क्यों हैं इसको बताना है। तो इसको हम यहाँ हल किए। अब इसके बाद देखते हैं आगे जो है, यहाँ पर इसका गुणनखंड जो हल करेंगे तो ये हो जाएगा देखने से कि सत्तर सात गुड़े ग्यारह गुड़े तेरह प्लस तेरह। अब तो देखिए तेरह जो है गुणा में है, सभी का गुणा कर दिया, तेरह उसमें कामन ले लिया, तो तेरह। तो इस तरह इसको तोड़ सकते हैं, आपका तेरह इधर देखिए तेरह है, तो तेरह हम इसमें से कामन ले लिया, तो बचा कितना वन। तो इस तरह से आप इसको हल कर लीजिएगा, अगर हल करने में कोई दिक्कत हो तो। ये आपको हम सॉल्व दे रहे हैं, सॉल्व बाकी हम जो बता रहे हैं समझा रहे हैं उसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हम बताने की कोशिश करेंगे तो वीडियो जो आपका लंबा चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड जब ये चीज़ इसमें से जैसे कि हम कामन ले लेंगे, ये देखिए फाइव अगर कामन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका वन बचेगा, जैसा कि समझ रहे हैं तो वन बचेगा। इतने को फाइव कामन लेंगे, यहाँ रख लेंगे, उसके बाद हम इसका गुणा करके जोड़ देंगे वन, अब तो इतना आ जाएगा फाइव गुणा में जो गुणा कर लेंगे, तो इस तरह से उसको कर लेंगे तो टोटल इसकी संख्या इतनी आ जाएगी, हल करने पर आपको मिल जाएगा। तो सेवन नंबर क्वेश्चन है, इसको हल करके देखते हैं क्या है कि किसी खेल के मैदान में चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ अंक दिए जाते हैं और अंक में आपका अलग अलग ऐसे समय दिया रहा, जैसे कि इसमें दिया गया इधर 18 मिनट, मतलब कुछ अंतराल होता है, अंतराल की बात आती है कि 18 यहाँ 18 मिनट यहाँ 12 मिनट, इस तरह से मिनट कुछ लग रहे हैं, तो ये समझ के चलिए कि उसका आपका एलसीएम निकालना है। तो पहले एलसीएम हम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम आपको देखिए, एलसीएम जैसे निकालते थे उसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। एलसीएम मतलब जो मिलता है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलता उसका, यानी कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतना आ जाएगा और गुणा करने पर 36 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको शून्य 36 मिनट बाद दोनों आरंभ करेंगे, आप इसको एलसीएम करें। कोई भी प्रश्न आता है उसमें अंतराल दिया हो कि इतने मिनट बाद ये, इतने मिनट बाद हो, एक घड़ी इतने मिनट बाद, फिर इतने मिनट अंतराल दिया गया लगभग, उसमें एलसीएम निकाल लेंगे और आपका हल हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन से थे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए पीडीएफ के हम लिंक दे देंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, तो हम आपको इसकी लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड करके इसको आप नोट्स बना सकते हैं और समझ सकते हैं। सारे क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज देते जाएंगे, और इसके बाद अलग अलग क्वेश्चन भी देते जाएंगे, कहने का मतलब आपको अगले सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंग्लिश और हिंदी के इतिहास सारी चीज़ें देंगे जो कुछ भी होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना है, आगे। ये वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप इसी तरह के वीडियो जो हाई स्कूल और इंटर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज सॉल्व पाने के लिए एनसीईआरटी यूपी बोर्ड जो भी है उसका सॉल्व पाने के लिए आप चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन जो दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिलेगी। तो अगर आपको कंप्यूटर मोबाइल भी संबंधी भी वीडियो चाहिए, टेक्निकल संबंधी जैसे कहते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संबंधी वीडियो जो भी हम देंगे, और प्लेलिस्ट में है बहुत सारी वीडियो मोबाइल और टेक्निकल संबंधी, उसको देख सकते हैं, लेकिन जैसा भी चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम उसे वीडियो दे देंगे।
तो अभी तो हम टॉपिक पर हैं आपके स्टडी संबंधी, जो हाई स्कूल की परीक्षा इंटरस परीक्षा कई बार है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज सॉल्व हम देते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए, अपने रिलेशन शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को पता चले और यहाँ आके जुड़ सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हम वीडियो को यहीं पर आज समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए और नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।